टॉबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 4, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4, वेनम 3 के रिलेटेड काफी न्यूज और र्यूमर्स बाहर निकल के आए हैं, जिनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेनम 3 जिस मूवी के बारे में ये बोला जा रहा था कि इसके अंदर एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का कैमियो कंफर्म होने वाला है, और ये चीज कहीं कहीं पे सच होती हुई भी दिख रही थी, क्योंकि सोनी वालों के पास सारे स्पाइडरमैन के राइट है, वो जब चाहे अपने स्पाइडरमैन को यूज कर सकते हैं। और ये रूमर तब ज्यादा और स्ट्रॉन्ग लगने लगा था जब टॉम हार्डी, जो कि अपने वेनम का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने एक तस्वीर बाहर निकाली थी, और उस तस्वीर के अंदर उन्होंने वही टी शर्ट पहन के रखी थी जो कि उन्होंने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में पहन रखी थी। पर अब एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन का इस मूवी के अंदर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वेनम प्रोजेक्ट सोनी वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि पहली मूवी ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन दूसरी मूवी ने उनको चाहिए उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया था, जिसके चलते अब ये लोग वेनम सीक्वल को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। और सोनी वालों ने ये चीज ऑफिशियली भी कंफर्म कर दी है कि अब वेनम पे अगला पार्ट नहीं आएगा, वेनम 3 लास्ट मूवी है वेनम सीक्वल की। सर ये कि भाई नहीं ही देखने को मिलेगा, देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई सोनी बहुत पावरफुल प्रोडक्शन हाउस है, वो अपने सेट की एक इत्तू सी इमेज भी बाहर निकलने नहीं देता है। भाई मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, इसके अंदर एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन को नहीं लाने वाला है, क्योंकि अगर इनको लाना होता तो वेनम 2 एक अच्छा मौका था इन लोगों के लिए, वहां पे ये लोग लेके आ सकते थे उसको। बात करें स्पाइडरमैन की चौथी मूवी के बारे में, और मैं यहाँ पे भाई टॉम हॉलैंड वाली चौथी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि टॉबी मैग्वायर की चौथी वाली मूवी की बात कर रहा हूँ। अभी अभी ये र्यूमर सामने निकल के आया है कि सैम रेमी, जिन्होंने भाई इन 3 मूवीज को डायरेक्ट किया है, वो आते हैं कि वो थी मूवी भी डायरेक्ट करें। पर ये र्यूमर तो नहीं बल्कि एक न्यूज ही मान के चलो। आप खुद सोच के देखो कि आपका प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंदर आपकी जनरल जो आप मूवी बनाते हो वो 400 से 500 मिलियन टच करती है, और एक दिन आपने एक मूवी बनाई भाई 6 बिलियन टच करती है, 6 बिलियन। आप उस मूवी के पोटेंशियल को वेस्ट थोड़ी ना करोगे, 6 बिलियन वाली मूवी नो वे होम है, तो ये लोग स्पाइडरमैन की मूवीज क्यों नहीं देंगे? देंगे भाई डेफिनेटली। इस मूवी में भी एक प्रॉब्लम है, जब भी सोनी वाले कोई लाइव एक्शन बनाते हैं उसके अंदर वो लोग हग देते हैं, स्पेशली तब जब उस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। जिन लोगों को नहीं पता है कि मैडम वेब क्या है, मूवी की स्क्रिप्ट पनवाड़ी की दुकान पर बैठ के लिखी गई थी, इस मूवी की शूटिंग अपने ढाबे पे जाके की गई थी, और बिना एडिट के ही इस मूवी को थिएटर में लगा दिया गया था। सोनी वालों का मास्टर प्लान क्या था पता है? 3 नारियों को अपने स्पाइडर वर्स में घुसाना। वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस मूवी ने सोनी वालों का 200 मिलियन का नुकसान करवाया है, जिसके चलते सोनी वालों ने ये सौगंध ली है कि ऐसी मूवी वो लोग दोबारा नहीं बनाएंगे। ह्यूमर तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये जो चौथी स्पाइडरमैन की मूवी होने वाली है, इसके अंदर हमको मेड पार्कर देखने वाली है। आपने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मेड पार्कर स्पाइडरमैन की सुपुत्री है। बोला ये भी जा रहा है कि इस मूवी का मेन विलन वल्चर होगा। जिन लोगों ने एनिमेटेड सीरीज नहीं देख रखी है उन लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जाके वो कार्टून शो देख लो, आई मीन की बहुत सारे लोग तो यही बोलते हैं। ह्यूमर्स ये है कि जो टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन की चौथी मूवी है उसके ऊपर भी काम चालू हो चुका है, ये एक मल्टीवर्सल मूवी होगी के अंदर हमको एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की तीसरी सोलो मूवी हमको नहीं देखने को मिलेगी। जिन लोगों को वेनम 3 के बारे में ज्यादा नहीं पता उन लोगों के लिए ये मूवी अक्टूबर से नवंबर के बीच में रिलीज कर दी जाएगी, और इस मूवी का हमको टीजर जल्दी ही देखने को मिलेगा, जल्दी से मेरा मतलब है कि जून तक देखने को मिलेगा, और ये अभी अपनी फिनिशिंग स्टेज में है, मतलब काम पूरा हो चुका है ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। मैं भी आदमी हूँ, मेरे से भी इतना लंबा वेट नहीं होगा। काश ये लोग वेनम 3 या फिर जो क्रेवन द हंटर आने वाली है उसके अंदर हमको कुछ स्पाइडरमैन वगैरह दिखाए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, नहीं दिखाएंगे मैं 90% श्योर होकर कुछ नहीं आने वाला है। स्पाइडरमैन के अंदर पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो अकेला ऐसा सुपर हीरो है जो कि भाई सात विलन से एक साथ लड़ता है, लेकिन सोनी वाले इस पोटेंशियल को बहुत ज्यादा वेस्ट करने में कामयाब रहे हैं। अगर ये लोग कामयाब रहते हैं पोटेंशियल को यूज करने के लिए तो वो एनिमेट में होता है। भाई एनिमेटेड सीरीज एक तो भाई बच्चे लोग देखते हैं, ज्यादा यंगस्टर उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, कि भाई कुछ अगर क्रिएट करना है तो एज इट इज तुम लोग लाइव एक्शन में क्रिएट करने की ट्राई करो ताकि चल जाए तुम्हारा भी। मैं भाई स्पाइडरमैन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मैडम वेब को साइड में फेंको भाई, कुछ नया लाओ, कुछ अच्छा माल लाओ इसकी जगह पे। तो चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप स्पाइडरमैन के बारे में क्या सोचते हो कमेंट जरूर कर देना, आपको कौन सा स्पाइडरमैन अच्छा लगता है, टॉबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड या फिर अपने टॉम हॉलैंड वाला, कमेंट इट।